कृति, ऐसे नाराज होते क्या बेटा? मम्मा से कब तक बात नहीं करोगी? बेटा एक बार ठीक से हमारी बात सुन तो लो कृति, सुन लो, एक सेकंड सुन लो हमारी बात कृति। ठीक है यार, उठ जाओ बाबू। चलो बाबू, एक बात तुमको बताएं। हाँ हाँ हाँ, अंदर जाके चलो चलो। कृष्णा यार, कृष्णा ठीक हो तुम? चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ। कितनी पी कर आए हो तुम? कृष्णा भाई का हालत बनाए हुआ? आधी रात का नौटंकी है? ए बाबू, सब सब डांट रहे यार उनका। अरे का हो गया बे तुमको? हैं सब सब डांट लियो यार, अम्मा बुला लियो, ए कुमलियो बुला लियो। दारू पी के आया है? 9 साल बाद ये घर में पी के आए हो तुम? गलती किए यार बाबू, हम गलती किए तो सब माफी नहीं मिले। कुछ कुछ नहीं किया, चलो सब खत्म हुई गवा यार। का खत्म हुई गवा बे? का बोतल बाऊजी, बोतल धकेल के आया ना, देख देख नहीं रहे हो का? उठ जाओ सब, चलो उठ जाओ, ले जाओ एक पानी से मुंह धोवा, ले जाओ। हम तो यार खुद भी तो जा सकते हैं यार। हैं? अरे धीरे, ए बाऊजी। कोमल दीदी, कोमल दीदी, आप जाओ और गर्व और कृति का ध्यान रखो, इन्हें हम संभाल लेंगे, जाओ। अरे क्या हुई गवाह यार? अरे भौजाई, हम है ना, हम मदद करते हैं ना तुम्हारी। हम हां गर्व, कोमल दीदी को तो क्या हुआ बे? क्या हुआ गर्व को? अरे बाऊजी, गर्व ना सोए के लिए बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है। कोमल दीदी, हम इसीलिए कह रहे हैं गर्व और कृति को आपकी ज्यादा जरूरत है, आप जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। कृष्णा, कृष्णा चलो आ जाओ। हम चलो, हम कब जा रहे हैं यार? संभल के, संभल के। हम का है यार, मालूम है? अरे का जा रहे यार? ए अरे हम जा सकते हैं यार, संभल के। 9 साल के बाद ही दारू पी के आज घर में आवा है, कुछ तो बात है। अरे कहाँ बोल रहा था बे, स्कूल जाके जज बन गवा है का? कैसे बचा लेगा हमें, किससे बचा लेगा? हम जानते हैं बलवंत की बेटी को किसने मारा है, और सिर्फ हम ही आपको इन सबसे बचा सकते हैं। तुम ठीक हो? अरे भैया, आजादी कौन की बात है, आप अडेट करें तो हम अपनी जान भी आपके चरणों में चढ़ा देंगे। ये तो रधवा है, हमरे अनाथ बच्चे का पाप लगेगा। ठीक नहीं लगा। ए बाबू, ओ बाबू यार, राधे कृष्णा, हम जानते हैं कि राधे की न्यूज़ सुनकर तुम बहुत ही परेशान हो, बहुत मानता था ना वो तुम्हें, और तुम भी उसकी काफी परवाह करते थे, शायद इसीलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है। कृष्णा लेट जाओ थोड़ी देर, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होगा, हम है ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हो रहा है तुम्हें? दादे कुछ छोटे किया यार बाबू, वो जानते यार कैसे मरा यार। अच्छा ठीक ठीक, अरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राधे के साथ ऐसा किया किसने, और हुआ क्यों उसके साथ ऐसा? किसने मारा उसे, क्यों मारा उसे? क्या तुम सच में कुछ जानते हो? बताओ हमें। हमें जिम्मेदार है यार, राधे
हम वो जिम्मेदार हमारी वजह से बाबा। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। राधे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो कृष्णा। हाँ था एक वक्त जब तुम दोनों गलत रास्ते पर थे, लेकिन तुम फिर सीधे रास्ते पर चले आए और वो वहीं रुक गए। कृष्णा जो कुछ भी हुआ है ना उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, राधे की खुद की गलती है। चलो ये सब छोड़ो, तुम लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। बस यहीं रहना, उठना मत, हम अभी आए, ठीक है? वो हमरे कहे पे अंकल, हमरे कहे पे। चलो ग्रीस जाके खेलो, कटो यहां से। तुम यहां आओ, बैठो यहां, बताओ क्या बक रहे थे, जल्दी बको, बोलो। हम एक ही शर्त पर बताएंगे, पहले हमें प्रॉमिस करो तो प्रतिज्ञा चाची को हमारे स्कूल जाने से रोकोगे। अच्छा बेटा, अब हमारा चाल हमरे ऊपर ही चलोगे। बहुत बढ़िया, ये बात कभी ना भूलना कि हम तुम्हारे बाप हैं, समझे? इसलिए बेवकूफ किसी और को बनाना, हम आज तक अपने बाप का शर्त नहीं माने हैं ना सुने हैं, तुम तो फिर भी हमारा बिटवा हो। अब जल्दी बताना शुरू कर दो वरना तुम तोड़ना शुरू करेंगे कि तुम चीख पड़ोगे। हमारे कहे पे हो गए। अरे कृष्णा भाई, अरे झूठ बड़बड़ाए रहे हो आप, अरे सीधा होके बैठ जाओ ना, हम अभी खाना लेकर आते हैं। अरे नए भौजाई, अरे खाना देख नहीं रही हो का, इतना दबा के पिए है, अगर खाना खा लिया ना तो सारा खाना बाहर आ जाएगा। तुम आओ ना फटाफट ना गर्भ के पास जाओ, काहे से कि ना गर्भ है ना उन्हें सोए के लिए बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है, और कृति है ना वो भी एक कोना पकड़ के सब मुंह लटकाए के बैठी है। जाओ ना जरा देख के आओ ना का का हुआ है, जाओ ना। बाबू कृष्णा भाई, अरे दिमाग से पैदल होगा, और तुम प्रतिज्ञा बुझाई को का बोलने जा रहे थे? हा? जो बात छुपानी थी वही बात बताने जा रहे थे? सीधा बैठो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, होश में आओ। अपना मन हल्का करने के लिए मुसीबत बुला रहे थे घर में? हा? एक को बाद में सोचा कि गर्भ का का होगा, अगर बात बात में गर्भ का बात निकल जाता तो फिर का होता? कुछ भी नहीं हुआ है, शांत रहो, फटाफट इस सिकंजी पियो, सिकंजी पियो, दारू नहीं है सिकंजी है, हम बोल रहे हैं ना। यार चमकिए यार, ये शांति पकड़ो कृष्णा भाई, सोच ए बाबू, बाबू कृष्णा भाई शांत हो जाओ, एकदम चुप, एकदम चुप। सब हमारी वजह से बाबा, आपने करे। चलो बको अभी, ठीक है आपको नहीं मानना है ना मत मानिए, आपकी मर्जी, अरे अपनी बाप वाली अकड़ में। लेकिन हम जानते हैं कि बलवंत आई बेटे का काम तमाम किसने किया, अगर आपको ये पता चला ना आपकी फट मतलब आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, और आप हमारे हाथ पर तोड़ोगे नहीं, हाथ पर जोड़ोगे। अबे रुक वहीं रुक, का मतलब क्या बात है? अबे ससुरे तू छटंकी भर का सवा शेर कब से होएगा बाबे, हम यहाँ हुआ लगे रहे हमको पता ही नहीं चला। वाह शाबाश, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, खूब नाम रोशन करोगे, खूब तरक्की करोगे। बढ़िया है बढ़िया है, चलो अब जल्दी से हमारा होश उड़ा दो, हमारा पत्ती गुल कर दो, जल्दी बताओ कि बलवंत्यागी के लौंडे को कौन मारा रहा? चलो बको जल्दी जल्दी। इसी घर में से है वो, उसने बलवंत्यागी के बेटे को मारा। ये घर में कब कब बोल कर रहा है? सब बता दूंगा, ये तो ट्रेलर था, पहले आप चाची को स्कूल जाने से रोक दो, फिर तो पूरी फिल्म भी दिखा दूंगा। ये क्या बक रहा है? घर में कौन हो सकता है? वहां पर साहब के ऊपर उस आदमी ने बंदूक तान दी, और तू
ना हमारे को खाने को पूछ रही है, खाना बचेगा के मारे को। ना खाना तो तू बोल देते, फेंकने की क्या जरूरत थी? यो तो अनका अपमान हुआ ना। अनका अपमान हुआ? अरे मत मारिए, पेट से हूँ। कुछ हो गया तो? कुछ होगा तो थारे को होगा ना, थारे को जिंदा छोड़ूंगा कि मैं? बच्चे की जिम्मेदारी थारी है, थारे को मरना है तो मर जा, पर मारे को हमारा बच्चा हंसता खेलता चाहिए। निकल यहाँ से। दीदी क्या हुआ आपको? कुछ बोलो ना दीदी। दीदी अरे बाप रे, इतना गुस्सा, देखो कैसे हंसी दबा रही है, लेकिन फिर भी होठों पे आ रही है ना? हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, प्लीज बंद कीजिए ये सब। ठीक है फिर गर्व, आज हम तुमसे ही बात करेंगे। तो गर्व, आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी चीज परेशान करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मम्मा से बात करके उसे सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बात मन में रह जाती है ना तो मन को बोझ झेल करती है और रिश्तों में दरार पैदा करती है। झूठ बोलने से भी मन बोझ झेल होता है और वो रिश्तों में दरार पैदा करता है। बेटा तुमसे किसी ने झूठ नहीं बोला है, हम सच कह रहे हैं, मानो हमारी बात। दादू तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, भरोसा करो। पता है दादू कितने नाराज थे, तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया, उनसे ठीक से बात तक नहीं की, कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। पर दादू तो गुंडे हैं ना, तुम उनसे कैसे बात कर सकते हैं मम्मा? कृति ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे दादू है बेटा, बड़े हैं ना तुमसे, इस घर के सबसे बड़े हैं। इतनी बड़े बंदों का इस्तेमाल कर सकते हैं? इतने समय से ये सब क्यों छुपा के रखा मम्मा हमसे? आप ही तो कह रही हो कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो फिर क्या है कि बड़े झूठ बोल सकते हैं छोटे नहीं? बेटा बिलीव मी, तुमसे किसी ने झूठ नहीं बोला है, दादू ने तो बस गुस्से में आकर शक्तिताओं को बचाने के लिए गन निकाल ली थी। हम मानते हैं कि गलत है, लेकिन गलती तो इंसानों से ही होती है ना बेटा, और दादू को उस गलती का एहसास है। देखो जैसे उन्हें ये पता चल गया कि शक्ति ताऊ गलत थे तो उन्होंने गन नीचे भी तो कर दी। लेकिन शक्ति ताऊ तो गलत नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता? ये जॉन कुछ भी बहवा है ना, ये कोनों को नहीं बताओगे तुम? नहीं मतलब मैं, मुझे नहीं पता। देखो बेटा शक्ति ताऊ गलत है या सही ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अगर शक्ति ताऊ गलत है तो दादू खुद ही उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तो मम्मा अगर कोई गलत होगा तो दादू उनको पुलिस को दे देंगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारे दादू अपनी जबान के पक्के हैं। तो आप श्योर हो कि दादू गुंडे नहीं है? यस बेटा, वो तुम्हारे दादू है ना, वो गुंडे कैसे हो सकते हैं? और उनका नाम क्या है? सज्जन सिंह, एंड सज्जन मीन्स जेंटल, और बस वही है तुम्हारे दादू। ठीक है फिर कल सुबह जाके अपने सज्जन दादू को कह देंगे कि हम उनसे गुस्सा नहीं थे। ठीक है मामा? That's my good girl. अरे 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 कहाँ जा रहे हो तुम? आओ बैठो, आज हम खुद ही तुम दोनों को लोरी सुनाकर सुलाएंगे। कम नो नो मामा, प्लीज गाना मत गाना वरना तुम्हारी नींद ही उठ जाएगी। है ना गर? गर क्या हम इतना बुरा गाते हैं? इतना नहीं, मैं बताऊं बहुत बुरा गाती हैं आप। अच्छा अब तुम दोनों की खैर नहीं। क्या समझे? जैसे कि मैंने कहा बंदूक की सारी गोलियां मुझ पर खाली कर देना, बेरहमी से खाली कर देना।
बलवंत को कोरा खेड़ पसंद ना है। बलवंत पे बंदूक उठी है तो अब गोरी भी चढ़नी चाहिए। जितनी जल्दी से ताक सकते हो ताको, ताको। जिंदा चला जाऊंगा। भाई साहब, यो क्या कर रहे हैं आप? कोई भूल चूक हो जाती, कुछ हो जाता तो आपके बेटे के कातिलों को मारे बिना आपके कलेजों को ठंडक ना मिलने वाली। बड़े चाहे कितनी गोलियां चढ़वा लो भाई साहब। तो और क्या करे दादा, हमें अपने बंदूक की खामोशी अच्छी ना लगे। कल पहली बार मारी बंदूक खामोश रही, कल पहली बार चूक हो गई मारी, कल पहली बार किसी ने बलवंत त्यागी पर बंदूक तानी और बलवंत त्यागी कुछ ना कर पाया, कुछ भी ना कर पाया। वो ठाकुर सज्जन सिंह। भाई समझ नहीं पता आपको क्या चाहिए। मैंने कुछ जानकारी का पता लगवाया है, कुछ जरूरी चीजों का, उस सज्जन सिंह और उसके परिवार के बारे में। बोल, क्या जाने तो? ये तो बहुत बड़ा बंगला है। ये देखिए आ गई लखपतिया ब्याह करके। अरे अरे आ गई। अरे बड़ी खूब दिखा। प्रणाम तो कीजिए। बाजी प्रणाम, अम्मा प्रणाम। खुश रहो बेटा। मिलिए, इको सब गोरा कहते हैं और पता है सब कहते कि हमसे 6 महीना छोटे हैं। अबे गोरे हो कि अंदर कुछ कालो है तुमने? अरे बाबूजी आप भी ना। अबे तुम लखपतिया से नरम काहे पड़ रहे हो यार? मक्खन मलाई से मुलायम है हमने गोरा, लेकिन है बहुत वफादार। आप जो बोलेंगे ना बाबूजी वो करेंगे। बाबूजी हम कह रहे थे कि अगर हमारे ई को भी आप काम पे रख लेते तो हम दोनों मिलके ना आपकी सेवा में पूरी उम्र खुपा देते। नहीं 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 नहीं, इमारत के साथ यहाँ रहेगी तो हमारे घर को क्या कहते हैं, लवर्स पार्क बना देगी। दो हंसों का जोड़ा मिलके घर का काम करेगा। नहीं भाई, एकदम नहीं। हम कह रहे हैं कि नवा नवा ब्याह करके आए, बेचारे कहाँ जाएंगे। तनिक तरस खा के दे दो ना इनका कुछ काम धाम, पुण्य कमा ले तनिक। हाँ चलो ठीक है, हम रखते हैं तुम्हारे मन से दुख काम पे। और चिंता ना करो बेटा, ललहाओ खूब अपने हिस्सा की खेती में, खूब ललहाओ। वाह, हमारे ठकुराएं तो वही सटियाई गई हैं। अरे बना दो एक लवर पार्क, मतलब लवर पार्क। भाई साहब यो है सज्जन सिंह, कुछ साल पहले प्रयागराज का सबसे बड़ा और ताकतवर बहुबली था। 9 साल पहले अपनी छोटी बहू के चलते इसने हथियार उठाना छोड़ दिया। इसकी लुगाई अपने समय में एक हाथ से राइफल चलावे थी, जो है शक्ति सिंह, सज्जन सिंह का बड़ा बेटा। सज्जन सिंह के आगे इसकी एक ना चलती, यो आज भी नजर लगाए बैठा कि कब इसने मौका मिले और ये गद्दी हथियार ले। इसके बच्चे समर और ग्रीस, इसकी लुगाई केसर, मैडम जी की बच्ची कृति, मैडम जी का छोरा गर्व। अरे भाई टपका हुआ मानस, कृष्णा सिंह, सज्जन सिंह का छोटा बेटा और मैडम जी का पति। अगर कुछ काम हो तो हमको बताइएगा। नाम है कृष्णा सिंह, बस ऐसे हाल चाल पूछने आए गए। तो ये मैडम जी के पति है,
लेकिन दोनों मियां बीवी कभी साथ में ना मिले, हमेशा अड़क अड़क मिले। इस परिवार का हर सदस्य हमारी मदद करने में लगा है। क्यों तारा? पत्नी केस में मदद कर रही है और पति अलग तरीके से मदद कर रहा हमारी। क्यों? इस परिवार का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है हमारे चंद्र की मौत से।